बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में नव नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण बुधवार को नॉर्मल कैंपस स्थित डायट के सभागार में दिया गया। इस दौरान जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा दिए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नव नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि छात्रों को पुस्तक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, इसके साथ खेल कूद, नैतिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा सहित अन्य पाठ्य पुस्तकों के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर जिले में नव नियुक्त शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें उन्हें छात्रों को पुस्तक ज्ञान के साथ दीक्षा ऐप सहित अन्य ऐप के प्रति जागरूक करते हुए उक्त ऐप को डाउनलोड कराया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा, जिसमें जो एक प्रेरणा था, हम लोग ने भी ट्रेनिंग की और अभी आप सभी लोग करेंगे भी कई सारे पोर्टल। तो उसमें जो नया बता रहा था उसमें जो सीधे हम छोटा सा क्रम है, जो संकुल लेवल का क्रम है, स्टेट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर जो संकुल लेवल का जो क्रम है और सर की जो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के आप एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है सर, और उसके बाद जब बात आती है इसमें है क्या, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे साथ में स्टेट रिसोर्स के बाद आता है लास्ट रिसोर्स पे, जैसे बीआरसी होते थे अब एआरसी होते हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं। इसके बाद हर संकुल के पास अच्छे शिक्षकों का एक समूह होता है जिनको शिक्षक संकुल, आठ शिक्षक संकुल होते हैं जो उसके कार्य को देखते हैं, जिनका विद्यालय बढ़िया होता है और लोगों को मदद करते हैं अपना विद्यालय बढ़िया कर सकें। ये एक संरचना हो गई जिसके आप जब आप काम करेंगे अभी आपको डायरेक्ट में बुलाया जाएगा, फिर वहाँ पर आपकी एक ट्रेनिंग दोबारा चली जाएगी, इसमें शादी भी रहेंगे डायरेक्ट के प्रवक्ता भी रहेंगे। तो चलिए आप सभी यहाँ पर जिला कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और आपको जो है समय दिया जाएगा चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्होंने यूज किया दीक्षा, कोई ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, DIKSHA, जो SHA है वो शेयरिंग के लिए, ठीक है। और डाइट में हमारे नवनियुक्त जो टीचर हुए हैं वो उनको एक तरह से हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो स्कूल पे जाएं उससे पहले आकर के अटेंडेंस देकर के इधर उधर घूमते हैं, तो उनको हम रीडेलांग दीक्षा ऐप, गार्जियन से मिलकर के, गांव में जाकर के बच्चों से मिलकर के उनके इस ऐप को लोड करें और साथ ही साथ कुछ एक तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करें कि आगे चल करके क्या करना है मुझे, कैसे गार्जियन को ये जो इस समय संकट काल चल रहा है कोरोना का, उसमें जाकर के ये बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लें, अपने ऊर्जा को वहाँ लगाएं, इस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 30 और 31 दो दिन में है, उसके बाद एक सप्ताह इनको फील्ड में भेजा जाएगा कि जाकर के अपने पसंदीदा ब्लॉक में इनको हम भेज रहे हैं, वो जाकर के वहाँ हमको कुछ परिणाम दें। और इसमें हमने एक पुरस्कार की भी व्यवस्था की है कि जो हमारे हर 100 पे 10 नए टीचर जिनका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होगा लक्ष्य से अधिक, उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। इस उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं जिससे कि शासन की मंशा के अनुसार ये युवा शक्ति अपना कार्य करे। कितने लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है? लगभग हमारे 647 जो नवनियुक्त टीचर हुए हैं उनमें लगभग 600 के लगभग हमारे टीचर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं दो दिनों में। कितने